नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज आपको पशुओं के घर पर ही कैल्शियम बनाने की विधि बताने वाले हैं कि पशु को कैल्शियम की कमी होने पर आपको मार्केट से लाने की कैल्शियम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप कैल्शियम घर पर ही बना सकते हो। तो अब आपको बता देता हूँ कि आपको कैल्शियम बनाना कैसे है। उसके लिए सबसे पहले आपको 5 किलो चूना पत्थर लेना, ये देख सकते हैं आप, बिना बुझा हुआ चूना, यानी पानी में डालते ही इससे बुलबुले निकलते हैं और पानी गर्म हो जाता है, मतलब ये बिना बुझा हुआ चूना। ये चूने का पत्थर लेना है और इसको 25 से 30 किलो वाली कोई मटकी हो बड़ी, उसके अंदर डाल देना आपको। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए बता दें आपको कैसे स्टेप करना है। तो ये हमने ले लिया 5 किलो चूना पत्थर, इसको मटकी के अंदर डालना है जिससे ठंडा जल्दी होगा। तो ये देखो 5 किलो चूना पत्थर हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए हमारे अब इसके अंदर वीडियो नजदीक लाइए। अब इसके अंदर आपको शुरुआत में 5 किलो पानी डालना है। तो देख सकते हो किस तरीके से बुलबुल निकलते हैं, आप पास में ले जाके बताइए। ये अब चूना ठंडा हो रहा है और ये प्रक्रिया 1 से 1.5 घंटे तक आपके आराम से चलेगी। तो शुरुआत के अंदर आपको इसके अंदर ये सारे चूना पत्थर डूब इतना पानी डाल देना है। तो अभी देख सकते हो चूना पत्थर डूब गया। अब आपको बता देता हूँ पानी, पूरा पानी डालना है इसके अंदर, 25 किलो पानी डालना है। 5 किलो चूना पत्थर लेना है, उसके अंदर 25 किलो डाल देना है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से बुलबुल निकलना, आप थोड़ा नजदीक ला के बताइए। ये प्रक्रिया 1 से 1.5 घंटे तक चलती रहेगी और धुआं निकलता रहेगा। अगर आप प्लास्टिक का बर्तन लेते हो तो वो पिघल भी सकता है, क्योंकि ये देखो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है और ये इस तरीके से फूटता रहेगा। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद में इसके अंदर 20 किलो पानी आपको और मिलाना है और फिर 12 से 13 घंटा पड़े रहने देना। और 12 से 13 घंटे पड़े रहेगा। तो साथियों देख सकते हो पहले हमने 7-8 किलो पानी डाला था, अब आधा घंटा हो गया है, काफी मात्रा तक ठंडा हो चुका है। अब आधे घंटे बाद में आप में 7-8 किलो पानी इसके अंदर और डाल देना है जिसे ठंडा जल्दी होगा ये। और अब 7-8 किलो पानी आपको 1 घंटे के बाद में और डाल देना है। और तो साथियों अब ये 7-8 किलो पानी अब और डाल देना है इसके अंदर। तो ये डाल दिया हमने और अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। हमने तीसरी बार पानी डाला इसके अंदर, इसको अच्छी तरीके से देख लिया हमने, ये फट लिया बिल्कुल। अब ठीक 24 घंटे बाद में आपका कैल्शियम वाला पानी बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो चूने का पानी है 24 घंटे बाद में ये देखो तैयार हो चुका है। इसको आपको एक 20 लीटर की बाल्टी के अंदर डाल देना है। ये देखो ये अच्छी तरीके से इसको पूरा पानी पानी देना है, ये पूरा निथर गया देखो पानी एकदम, आप देख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो ये पूरा ले लेते हैं। तो अब एनिमल को जो आप कंसंट्रेटेड फीड फॉर्मूला देते हो उसके अंदर आपको ये 50 ग्राम ये देखो चूने का पानी ये आपको इसके अंदर मिला लेना और फिर आधी मात्रा में गुड़ का रस, ये हमने 1.5 किलो गुड़ भिगोया उसके अंदर 3 किलो पानी डाल दिए बने हैं। तो ये आपको इतनी मात्रा में ये देख सकते हो ये गुड़ का पानी, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है और पशु को जल्दी दूध पटाने में मदद करता है और कैल्शियम की जल्दी पूरी करता है। तो अब ये जो
फॉर्मुलेशन बनाई है पशु को आप बांट अच्छी तरह खाओ, देखो पशु कितने चाव से खा रहा है। तो देख सकते हो ये बड़े ही चाव से खा रहा है, कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स, इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है। अगर आपका पशु 10 किलो दूध बढ़ाए तो उसको प्रतिदिन 30 ग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है, और जो हम ये कैल्शियम बनाते हैं वो कैल्शियम में 70% तक कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आप मार्केट से लाते हो उसमें 2-3% ही कैल्शियम पाया जाता है। तो ये देख सकते हैं हम लाते हैं उसमें बहुत ही माइनर कैल्शियम पाया जाता है, जो आप ये घर पर बनाओगे उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में चूना पाया जाएगा। और अगर आप 100 ml पशु को देते हैं तो उसके शरीर की जरूरत के हिसाब से 70% कैल्शियम उसको सीधा मिल जाता है, यानी 100 ml चूने का पानी देते हो आप तो 70 ग्राम कैल्शियम उसको मिल जाएगा, और पशु में कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं आएगी। और जो मिल्क फीवर बोला जाता है वही कैल्शियम, यानी आप डेयरी व्यवसाय या गौशाला कुछ भी चलाते हो तो 98% बीमारियाँ हैं वो कैल्शियम की कमी की वजह से आती है। तो नियमित चूने का पानी देवें, और पीछे बच जाए वो चूने का पानी लेने के बाद में जो चूने का कचरा उसको आप गौशाला के जहाँ गाय बैठती है वहाँ डाल सकते हो, क्योंकि सबसे अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है वो। अब पशु को आपको कैल्शियम के चूने के पानी के साथ में ये 50 ml चूने का पानी ले लिया, इसको फीड में डाल देना है, और 50 ml आपको गुड़ का रस डालना है, क्योंकि कैल्शियम को पचाने के लिए फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होता है तभी कैल्शियम चूने का पानी कैल्शियम के रूप में असर करता है, नहीं तो हड्डियाँ उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इसके लिए चूने के पानी के साथ में गुड़ ज़रूर देवें, जिससे पशु हेल्थ रहेगा। तो अब ये जो फॉर्मुलेशन बनाई है पशु को आप बांट अच्छी तरह खाओ, देखो पशु कितने चाव से खा रहा है। तो देख सकते हो ये बड़े ही चाव से खा रहा है, कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स, इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।